सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को, साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपको बनाना बताऊंगी स्पेगेटी फिंगर्स, बहुत ही मुनफरिद मज़ेदार। इसके लिए मैंने लिया है ये आधा पैकेट, मैंने स्पेगेटी ली थी, इसको बॉयल किया, हाफ जो है वो मैंने अलहदा कर ली और हाफ जो है वो ये मैंने चॉप कर ली चॉपर में, ये इस तरह से। बस बहुत ज़्यादा इसका बारीक नहीं करना, इसको इसका बिल्कुल आपने ऐसे नहीं बनाना कि पेस्ट बन जाए, बस थोड़ा सा मोटा रहे, ये एक बार चॉपर घुमाना है। ये दो मैंने बड़े आलू लिए थे, इनको भी मैंने बॉयल कर लिया है, नरम बॉयल करना है। ये एक अनियन ली है, इसको बारीक चॉप कर लिया है। ये हरा धनिया और हरी मिर्ची और थोड़ा सा पुदीना हमने इसको बारीक चॉप कर लिया है। ये कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, 1 टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई, नमक हमने हसबे जायका लेना है एज यूजल। ये हमने लेमन जूस लिया है, एक लेमन का जूस लिया है। ये ऑयस्टर सॉस लिया है मैंने 1 टीस्पून। ये हमने ब्रेड क्रम्स ज़रूरत के मुताबिक हम इसको यूज़ करेंगे और मैदा भी लेना है। ये हमने एक प्लेट में, हमने खुली बड़ी प्लेट में इन दोनों चीज़ों को सेपरेट रखना है। एक या दो हमने अंडे लेने हैं, इनको अच्छी तरह से फेंट लेना है। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, इनको आलूओं को और इनको अच्छी तरह फॉक से हमने मैश करना है। आलू इतने नरम बॉईल करने हैं हमने कि ये अच्छे से आराम से मैश हो जाए। इसके साथ ही हमने ये स्पेगेटी भी मैश करनी है। अब हमने इसमें से थोड़ी सी स्पेगेटी जो है इसके अंदर ऐड कर लेनी है। ये टोटल मैंने हाफ पैकेट ली थी, इसमें से मैंने हाफ को चॉप कर लिया था और हाफ मैंने इसी तरह रख ली थी। ये अब हमने इसमें ऑनियन ऐड करनी है। ये हरी मिर्ची, हरा धनिया और पुदीना, ये हमने इसमें कुटी हुई लाल मिर्ची, ये पिसी हुई काली मिर्ची, लेमन जूस, ऑयस्टर शायर सॉस, नमक हमने इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करना है। अब हमने हाथों का इस्तेमाल करना है, हैंड अच्छी तरह वॉश करने हैं आपने पहले, फिर इनको सब चीज़ों को अच्छी तरह से हाथ से मिक्स करना है। अगर हम चाहें तो, या अगर आप लाइक करते हैं तो इसमें चाट मसाला भी 1 टीस्पून ऐड कर सकते हैं। इसको इतना हमने इस तरह से मैश कर लेना है कि ये बिल्कुल सारा जो है अच्छा सा मिक्स हो जाए। बस अब हम इसकी फिंगर्स बनाएंगे। हमने ऑयल पैन में पहले से गरम करने के लिए रख दिया है ताकि वो अच्छा सा गरम हो जाए। अब हम इसकी फिंगर्स बनाएंगे और उनको फ्राई करेंगे। इसको आप अच्छी तरह से साफ कर लें। बस अच्छा, अब हम ये स्पेगेटी फिंगर्स बनाएंगे। ये देखें इस शेप में हमने, क्योंकि हम ये फिंगर्स बना रहे हैं इसलिए हमने ये पतली बनानी है। थोड़ा सा हमने पानी हाथ पे लगाना है ताकि ये चिपके ना। इस तरह हम सारी पहले थोड़ी सी बनाकर रख लेंगे। इस मिक्सचर में आपकी काफी अच्छी बन जाएगी 15-20। आप फिंगर्स की शेप की बनाएं बिल्कुल पतली पतली। मुझे लग रहा है ये थोड़ी सी मोटी हो गई है, इसको मैं थोड़ा सा बारीक करूंगी।
मिक्स इट। इसी तरह से हम ये सारी फिंगर्स अपनी बनाकर पहले रख लेंगे, फिर हम इनको फ्राई करेंगे। ये देखिए मैंने इसमें से तकरीबन ये 10 फिंगर्स जो हैं ये बना लिए और अभी भी हमारा मिक्सचर इतना बाकी है, हम इसमें से और भी बनाएंगे। पहले हम ये फ्राई करते। अब हमने क्या करना है, अच्छा ये सबसे पहले मैंने इसमें ये मैदे में इनको कोट करना है, फिर हमने ये इसमें अंडे में डिप करना है थोड़ा सा, फिर हमने इस पे ब्रेड क्रम्स इस तरह से लगा के बस हमने इसको फ्राई करना है। बिस्मिल्लाह रहमान, इसी तरह से हमने ये सारी फ्राई करनी है। पहले मैदे में हम कोट करेंगे इसका मैदे का, फिर हम इसको अंडे में डिप करेंगे, फिर हम इसको ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे और इस तरह से हमने सारी इसी तरह से। दोनों साइड से हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है। आज थोड़ी सी हम और तेज कर देंगे, थोड़ी सी मीडियम, पहले बहुत लाइट थी, थोड़ा सा मैंने इसको मीडियम किया फ्लेम को। बस एक टाइम में जितनी फ्राई हो सकती है उतनी इसमें पैन में ऐड करेंगे। अच्छा ये देखिए दोनों साइड से हमारी फिंगर्स जो हैं वो बहुत अच्छी सी हो गई हैं, बहुत ही अच्छी सी गोल्डन ब्राउन हो गई हैं, बहुत अच्छा सा इनको मैंने फ्राई कर लिया है। अब ये मैंने मज़ीद 3 और ऐड की हैं, ये भी हो जाएंगी हम जब तक इनको निकालते हैं प्लेट में। प्लेट में टिश्यू रख लीजिए, टिश्यू पेपर, ताकि जो इसका एक्सेस ऑयल है वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। ये देखिए बहुत अच्छी सी ये, वाओ गुड, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, मज़ेदार। अब हम इनको भी देखते हैं, ये भी हमें लग रहा है एक साइड से हो गई है, दूसरी साइड हम इसमें रखते थे। थोड़ी सी और है वो भी मैं इसमें ऐड करती हूँ। ये देखिए ये हमारी स्पेगेटी फिंगर्स जो हैं वो बिल्कुल अच्छे से मैंने तैयार कर ली हैं आप सबके लिए, क्योंकि आपने इस रेसिपी को फॉलो करना है और ज़रूर ये बनानी है। शाम की चाय के साथ, केचप के साथ इसे सर्व करें और बहुत इन्जॉय करें। बच्चों को तो ये ख़ास तौर पे बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह, और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मुझे फीडबैक दें। नई रेसिपी के साथ फिर मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।